अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि जो लोग करीमें और कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मेकअप के सामान की तैयारी में छिपकलियों के इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। दीवारों और छतों पर रेंगने वाली ये मखलूक जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, दरअसल हमारी आराइश के सामान का हिस्सा बन चुकी हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। मेकअप के सामान की तैयारी में छिपकलियों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। दीवारों और छतों पर रेंगने वाली ये मखलूक जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, दरअसल हमारे आराइश के सामान का हिस्सा बन चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस ऑफ इंडोनेशिया में बताया है कि इंडोनेशिया में छिपकली को $3 में खरीदा जाता है, जबकि एक छिपकली से तैयार करीमें ब्यूटी पार्लर्स में आम खवातीन और दुल्हनों के सजने संवरने में इस्तेमाल होती है। इस गांव में आपको जगह जगह छिपकलियों के ढेर लगे नजर आएंगे और गांव के रहायशी रात के वक्त छिपकलियों को तलाश करके पकड़ने के लिए निकलते हैं। छिपकलियों को पकड़ने के लिए एक खास किस्म की छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर गिलू लगी होती है, और गिलू लगी छड़ी के जरिए छिपकली को पकड़ना आसान होता है। छिपकलियां पकड़ने वाले इन्हें जमा करके इस काम की सरबराही करने वाले के हवाले कर देते हैं, जो इन्हें 1 किलो छिपकली के इवज $3 देते हैं। सप्लाई की गई छिपकलियों को सर्फ से धोने के बाद धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में फरोख्त किए जाने के लिए तैयार होती हैं। और ये छिपकलियां मेकअप के सामान के अलावा जिल्द की एलर्जी और ख़ारिश की दवायात की तैयारी में भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो आपके चेहरे की खूबसूरती है, इसमें जो छुपा हुआ राज है, वो छिपकलियों का ही है। तो आप ये देख लें कि भाई जो लोग बेइंतहा करीमें इस्तेमाल करते हैं, मेकअप यूज़ करते हैं, वो मेकअप किस तरह बनाया जाता है। अब तो आप जान चुके होंगे कि जो कॉस्मेटिक्स और क्रीमें आप यूज़ करते हैं वो किस तरह तैयार की जाती हैं। यहाँ पर ये बात भी काबिले जिक्र है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो किसी न किसी मकसद के लिए ज़रूर बनाई गई है। कितनी यहाँ पर मखलूकात हैं, तो अल्लाह पाक ने जो चीज़ भी बनाई है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। छिपकलियों का भी कोई ना कोई मकसद तो होगा, मगर वो हमारे चेहरे की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन जो खवातीन अंधाधुंध मेकअप इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनकी स्किन के खराब होने का भी खदशा होता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि छिपकलियों में किस कदर जहर पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है। व्यूअर्स, आपके इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।